तो हम देखते हैं कि एक फाइट सीन चल रहा है, ये बंदा भाग के आया, इसने जंप मार के दो लोगों के लाते मारी, ये उल्टी गुलाटी मार के लाते मारी और ये एक बंदे को ओ माय गॉड फुटबॉल समझकर हवा में ही उड़ा दिया गया और इसके बाद ये एक बंदे के सर पे लात दी गई और ये बंदा बिल्डिंग तोड़ के पार उड़ चुका है। जी हाँ, इसने तो हवाई उड़ान भर ली है, बिल्डिंग तोड़ के निकल चुका है, ये दुनिया की सैर पे उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है, कहीं चांद पे ना पहुंच जाए। हाय ला, तो मेरी पिछली बॉलीवुड वाली वीडियो पे बहुत सारे बांग्लादेशी फैंस ने कमेंट करा कि यार तुम बांग्लादेशी एक्शन सीन्स पर भी वीडियो बनाओ, तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं बांग्लादेशी फनी एक्शन सीन्स। एक बाइक को चारों तरफ से गुंडों ने घेर रखा है, निकलने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अचानक से बाइक वाले को याद आता है कि वेट अ सेकंड, ये बाइक तो मैंने स्पेशल अमेरिका से इंपोर्ट करवाई थी, इसमें स्पेशल स्पेशल फीचर्स है, ये बाइक तो उड़ सकती है। पहले तो थैंक गॉड मेरे पास फिल्मोरा एडिटर है जो मैं इस वीडियो को देखने लायक बना पाया, क्योंकि ये वाला क्लिप बिल्कुल खत्म था, पर फिल्मोरा की हेल्प से काफी हद तक फिक्स कर लिया इसको मैंने। तो तुम्हें भी अगर फिल्मोरा डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कर लो डाउनलोड। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्लिप, हमारी फिल्म का हीरो फिल्म की हीरोइन को पकड़ के इधर उधर घुमा घुमू के विलन्स को पीट रहा है, लेकिन अचानक से हीरो को याद आता है ओ हीरोइन ये वेली मत बैठी रहे, कुछ काम कर ले, और ये फिल्म की हीरोइन का सर पकड़ के विलन के अंदर दे मारता और फिर उसके पीछे लात दे के हीरोइन के लात जड़ दी। अबे पूरा दिन मेकअप करती रहती है, चल कुछ काम कर चल, और फिर लात देने के बाद चल भाग यहां से निकल, कितना बेरहम लौंडा यार, ऐसे इतनी बेरहमी से उसके पीछे लात मारने के बाद उसको ऐसे पकड़ के फेंकता है, चल निकल यहां से भाग यहां से। और हीरो से बढ़िया तो वो विलन निकला जिसने उस हीरोइन को पकड़ तो लिया कम से कम। मेरा तो इस हीरोइन के लिए यही एडवाइस है, छोड़ दे इस हीरो को, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये बिक गया हीरो। वाह क्या हीरो है, वाह, बाइक से बिल्कुल परपेंडिकुलर कूदा, उसके बाद 1 किलोमीटर तक उड़ता हुआ गया और फिर हीरोइन को बचा के, स्वैग है भाई स्वैग है। Amazing, I mean it's fantastic, it's fantastic, ऐसा मतलब ग्रेविटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। Coming soon, Diabolical Action. पहले तो ये बंदा बाइक से बिल्कुल एंटी ग्रेविटी मैन बनके कूद जाता है, उसके बाद इसकी 5-6 इमेजेस निकल आती है और फिर ये चलते हुए बाइक के पीछे भाग रहा है। एक बात बता, जब तूने बाइक से उतर के बाइक के पीछे ही भागना था, अबे तो भाई दिमाग में गोबर भर रखे, बाइक पे ही बैठा रहता, नहीं मतलब बाइक से उतर के चलते हुए बाइक के पीछे भागना है क्योंकि इसमें ज्यादा स्वैग है। और इसके बाद डायबोलिकल एक्शन के नाम पे ये दो बंदे एक दूसरे को पकड़ के हवा में लट्टू की तरह घूम रहे हैं राउंड एंड राउंड। अबे यार ऑफ कोर्स यार, अब एक बंदर को नारियल पानी पीते हुए देखोगे तो हंसी तो निकलेगी, मतलब किसी की भी हंसी निकल जाएगी। ओ अच्छा, ये दो इस लड़की को देख के हंस रहे थे, ओ मुझे लगा वो हीरो आलम को। यार अब मतलब मैं अगर हीरो आलम को सच्ची में सामने देखूंगा तो मैं तो हंसूंगा ही, तो सॉरी सॉरी। अच्छा तो आगे का क्लिप बांग्ला लैंग्वेज में है तो मैं समझाता हूँ, ये दो लोग इस लड़की को छेड़ रहे हैं और ये लड़की कहती है बदतमीज शर्म नहीं आती तुम्हें, अपनी माँ बहन को छेड़ो जाके। हीरो आलम
ना ना ना, मैं बंदर हूँ, बंदर। और इसके बाद शुरू होता है फाइट सीन। अबे पागल है येड़े, अबे फाइट सीन करना है भाई, ये कपड़े की उतारने शुरू कर दिए इसने, बंद करो भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ अविश्वसनीय सा देख लिया है हमने यहाँ पे कि पहले हीरो आलोम ने अपनी पैंट उतारी, ओए होए होए, वो नीचे निकली धोती, उसके बाद अपनी पैंट से विलन को मारने गया, वो टच भी नहीं हुई विलन के, वो गिर गया, उसके बाद अपनी धोती भी उतार दी, उसके नीचे निकली नीली पैंट, उसके बाद अपनी धोती फेंक के डराया विलन को, और ये विलन सिर्फ धोती से डर गए। हीरो आलोम जो खुद 500 ग्राम का है, उसकी धोती ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम की, वो 10 ग्राम की धोती से डर के भग गए। अबे लानत है इन विलन के जीवन पे, मतलब कैसे से विलन हो यार तुम। भाई बस बस, बांग्लादेशी एक्शन सीन्स पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पे 25,000 लाइक्स आ जाते ना, तो मैं एक काम करता हूँ, अगली वीडियो करता हूँ टूनिशिया के एक्शन सीन्स। ये सही है। तो 25,000 लाइक्स फॉर टूनिशिया के एक्शन सीन्स, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ভালোবাসা।